गाइस यहाँ से चढ़ाई शुरू होने वाली है, तो हम सीधे टॉप पे मिलेंगे गाइस। इसके बीच में कोई बात नहीं होगी। अब मिलते हैं फिर गाइस। आप समझ सकते हैं चढ़ते हुए बोलना बहुत ही मुश्किल होता है, तो मिलते हैं गाइस थोड़ी देर में। सो गाइस मैं यहाँ पे ऊपर पहुँच चुका हूँ, तो लगभग मैंने आधा घंटा चढ़ाई करने में लगाया गाइस। बिना रुके मैं आया हूँ ताकि मैं आपको ऊपर जाके बहुत अच्छा व्यू दिखा सकूँ गाइस। तो मैं आपको बताता हूँ मैं कहाँ से आया था। सो गाइस मैं जूम कर रहा हूँ जहाँ से मैं आया था। यहाँ से जो तो सड़क बीच में छोटी सी दिख रही है गाइस, शायद आपको दिख रही है, नहीं जूम नहीं है। तो मैं गाइस वहाँ पे आया था, गाइज आप मेरे पीछे व्यू देख रहे हो, बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये टाइम है ऊपर आके थोड़ी ब्रेक का। तो गाइज यहाँ पे मैंने पहले कुछ फैसिलिटीज यहाँ पे नहीं है, कोई शॉप्स नहीं है, कोई बाजार नहीं है। यहाँ पे मैं बहुत सारी चॉकलेट अपने साथ कैरी करके लाया था, तो अब मैं इनको सारी को तो नहीं खाऊंगा, कुछ को खाऊंगा और उसके बाद मैं चलता हूँ अपने घर की तरफ, पुराने घर की तरफ। तो मैन वर्सेस वाइल्ड की तरह सा गाइस, हाइड्रेटेड पानी पीते रहें जहां भी आपको टाइम लगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाटर। गाइस जो मेरा गांव है वो डिस्ट्रिक्ट मंडी में पड़ता है और जगह का नाम संधोल है गाइस। आई होप मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा विजिट करने के लिए तो नहीं है, लेकिन बहुत ही सुंदर सुंदर वादियाँ यहाँ पे है, बहुत सुंदर व्यू आपको देखने को मिलेगा। आई होप गाइस आप यहाँ पे कभी विजिट ज़रूर करेंगे। सो गाइस ये यहाँ की सड़क है, आप देख सकते हैं। सो गाइस ये यहाँ की सड़क है गाइस, मतलब बोलना तो नहीं चाहिए लेकिन यहाँ पे फैसिलिटीज़ कुछ भी नहीं है। ये सड़क भी मतलब बोलने की सड़क है, यहाँ पे कोई भी गाड़ी आती जाती नहीं है। आप देख सकते हैं इसकी हालत गाइस, आप देख रहे हो लैंडस्लाइड यहाँ पे होते रहते हैं, छोटे मोटे पत्थर वगैरह, तो यहाँ पे कोई सफाई वगैरह नहीं होती है गाइस। ऐसा कुछ भी नहीं है, बोलने को सड़क है गाइस। मतलब अभी भी हमारे यहाँ पे बहुत सारे एरिया है जहाँ पे सड़क नहीं पहुँची है,
तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि गांव में फैसिलिटीज़ नहीं है, लोग बाहर भाग रहे हैं, शहरों की तरफ इसलिए ज़्यादा जा रहे हैं, फैसिलिटीज़, स्कूल, अच्छी शिक्षा नहीं है, अच्छे हॉस्पिटल्स नहीं है गाइस। अब ब्लेम हम गवर्नमेंट को भी नहीं कर सकते हैं, हम मतलब इसमें सबका हाथ है गाइस, कुछ हमारा, कुछ गवर्नमेंट का, सबका। तो ज़्यादा बात ना करते हुए गाइज, ये यहाँ पे कुछ घर हैं, बहुत दूर दूर यहाँ पे घर होते हैं गाइज, इसलिए यहाँ पे शांति बनी रहती है, लोग आपस में लड़ाई झगड़े बहुत कम होते हैं गाइज यहाँ पे। आप देख सकते हैं लोगों के घर बहुत ही ज़्यादा दूर हैं। तो मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ गाइज। नमस्ते बुआ जी, यहाँ पे हमारे बुआ जी घास काट रहे हैं, आप देख सकते हैं। सो गाइस, ये सड़कों की हालत है यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं व्यू बहुत ही प्यारा गाइस। ये हमारी सड़क है, कौन बोल सकता है गाइस कि यहाँ पे सड़कें बनी भी हुई थी। तो देख रहे हैं आप गाइस, सो देखो गाइस ये सड़कें हैं, ये हमारे यहाँ की फैसिलिटीज़ जो हमें सरकार ने दी है। तो वहाँ सो ये बच्चा कैमरे से डर रहा है, ऊपर वाला। तो ये बच्चा यहाँ पे खड़ा था, ये भाग गया है। इधर आना, ऊपर आना, ऊपर। बच्चा भाग गया है कैमरे के डर से। बहुत ही शाय पीपल होते हैं हमारे हिमाचल के, वो नीचे जाके कहीं छुप गया है पेड़ के पीछे। एक बार सकल दस और वो बोला। तो बच्चा बाहर आ नहीं रहा है, तो चलते हैं, सफर जारी रहेगा यहीं। ये पहाड़ है गाइस जो मेरे नए घर से दिखता है, मैं इसकी दूसरी साइड आ गया हूँ गाइस, अपने घर से मतलब 5 मिनट की दूरी पे हूँ। मिलते हैं गाइस बहुत जल्द अपने घर पे। सो गाइस, घर के बहुत नज़दीक ये आम का पेड़ गाइस, बचपन में छोटे होते ही आम के पेड़ के नीचे ही रहते गाइस, जब भी आम गिरता जल्दी से भाग के कौन उठाएगा, कौन सबसे पहले इन आमों के लिए लड़ते रहते थे गाइस हम। तो आजकल तो ऐसा कहाँ है गाइस, सब बाज़ार में मिलता है, पर जो मज़ा उस टाइम आता था इन आमों को खाने में गाइस, वो अब नहीं आता है गाइस, वो मज़ा, वो सुकून सब चला गया है। अब बच्चों को फ़ोन चाहिए। और गाइस यहाँ पे ये खेत है, नीचे आपको दिख रहे होंगे, सीढ़ीदार खेती होती है यहाँ पे, तो घर बहुत ही पास में है। वो मेरे बड़े मम्मा खेत में काम कर रहे हैं, आप देख रहे हैं खेतों की सफाई लगी है इस टाइम। सो हम पहुंच चुके हैं हमारे घर पे, और ये जो पेड़ आपको दिख रहा है बरगद का, बहुत ही पुराना है, नियर अबाउट 200 साल पुराना गाइस। तो हमने यहाँ पे बहुत मज़े किए हैं, इसकी पेड़ पे चढ़ना उतरना, ये जो इसकी जड़ें दिख रही हैं गाइस, इस पे झूलना, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग गाइस, बहुत मज़ा आता था उस टाइम पे। हम पहुंचने वाले हैं हमारे घर उतनी देर, आप ये व्यू देखो बहुत ही प्यारा है, और ये सामने हमारा ऊपर जो पुराना घर है वो है, और ये हमारा डॉगी जो मुझे देख के भौंक रहा है। सो ओए
चुप। देखो सो गाइस, हमारा पुराना घर कुछ इस तरह दिखता है।